नमस्कार, स्पोर्ट्स एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। अमेरिकी टेनिस स्टार सेरेना विलियम्स ऑस्ट्रेलियन ओपन के चौथे दौर में पहुंच गई। उन्होंने 15वीं बार इस दौरे में अपना स्थान पक्का किया। सेरेना ने तीसरे दौर के मुकाबले में यूक्रेन की डायना यस्त्रेस्वा को 6-2 6-1 से हराया। वहीं जापान की नवोमी ओसाका भी चौथे दौर में पहुंच गई। उन्होंने ताइवान की सैसु वोई को 5-7 6-4 6-1 से हराया। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने वनडे सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी की बल्लेबाजी की तारीफ की। उन्होंने कहा, धोनी एक सुपरस्टार और इस खेल के ऑल टाइम ग्रेट खिलाड़ी हैं। 37 साल की उम्र में उनकी फिटनेस से हमारे युवा खिलाड़ियों को सीख लेनी चाहिए। भारत ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए तीसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही उसने 3 वनडे की सीरीज 2-1 से जीत ली। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम की है। टीम इंडिया मेलबर्न पर 11 साल बाद वनडे में जीत हासिल करने में सफल रही। 7वीं वरीयता प्राप्त साइना नेहवाल ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखते हुए शुक्रवार को यहां दूसरी वरीयता प्राप्त जापान की नोजोमी कोहुहारा को लगातार गेम्स में हराकर मलेशिया मास्टर बैडमिंटन टूर्नामेंट में वुमेन सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। हालांकि मेन सिंगल्स में 7वीं वरीयता प्राप्त भारतीय शटलर किदांबी श्रीकांत का सफर खत्म हो गया। भारत की दिग्गज महिला पहलवान और रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने प्रो रेसलिंग लीग के 4th सीजन के मैच में अपना मुकाबला जीत दिल्ली सुल्तान्स को यूपी दंगल के खिलाफ 4-3 से अहम जीत दिलाई। ये साक्षी का इस सत्र में पहला और आज के मुकाबले का अंतिम मैच था। उन्होंने 62 किलोग्राम भार वर्ग के मैच में नवजोत कौर को मात दी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। जेनाविन सेल्स, क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर, पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज, हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज, एल मोनार्ड के फैंस, पेडिस्टल फैंस, एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज। जेनाविन सेल्स, नियर भारत टॉकीज, फर्स्ट फ्लोर, हमीदिया रोड, भोपाल।